साथियों मेरे साथ में आप देख रहे हैं आज की ऑर्गेनाइजर हैं ममता जी, जिन्होंने कि आज इतना अच्छा इवेंट रखा, इतना अच्छा अवार्ड शो रखा। बात करेंगे ममता जी, स्वागत है पहले। हाँ जी, मैं सबकी तारीफ करती हूँ जिन्होंने, सबसे पहले तो आप मीडियाज वाले, पीपी न्यूज़ वाले, जिन्होंने मेरा इतना अच्छा मतलब कवरेज किया, और दूसरा सारे सेलिब्रिटी और जितने भी मेरे आए क्लाइंट, सबको करती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बस यही है कुछ टाइम आज का जो सेलिब्रिटी गेस्ट में रहे हैं खुशी शेख जी और सार्थक चौधरी जी, दोनों के बारे में क्या कहना चाहोगे, और जो ये अवार्ड शो आपने ऑर्गेनाइज किया तीनों ने मिलके, इन दोनों के बारे में भी, अपने पार्टनर्स के बारे में दोनों के क्या कहना चाहोगे? दोनों पार्टनर्स बहुत अच्छे हैं, दोनों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत मेहनत की है। आप देखते हैं और तो क्लाइंट के ऊपर है कैसे क्या होता है, बाकी आगे के लिए सब कुछ अच्छा हो, मैं भगवान से यही करती हूँ उनके साथ भी अच्छा हो। बाकी सार्थक सर भी और खुशी मैम भी बहुत अच्छी है, हमें सपोर्ट कर रही है आगे बढ़ने के लिए, तो मेकअप का जो भी है नेक्स्ट हम फिर से लाएंगे अपना शो, देखते हैं वो कब आता है। अच्छा ममता जी, जैसे बात करें हम जितने यहाँ वीआईपी गेस्ट, चीफ गेस्ट, सेलिब्रिटी गेस्ट पहुँचे, उन सभी को किन शब्दों में धन्यवाद करना चाहते हैं? मैं उन लोगों को बस तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, थैंक यू। साथियों मेरे साथ में आप देख रहे हैं आज के सेलिब्रिटी गेस्ट सार्थक चौधरी जी हैं, जो कि एमएनजे अवार्ड शो के अंदर पहुंचे हैं एज ए सेलिब्रिटी। क्या कहेंगे सार्थक भाई, सबसे पहले दोबारा से कहना हमारे चैनल पे स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, मेरी ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ है। थैंक यू भाई, कैसा लगा आज का शो, और क्या कहना, कितने मार्क्स देना चाहेंगे इस शो को? आज शो फर्स्ट, इन लोगों का फर्स्ट टाइम शो है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा कुछ चीजों में मैनेजमेंट में था, लेकिन बाकी शो बहुत अच्छा है, और बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया इन्होंने, जो भी मेकअप आर्टिस्ट है उनको अपॉर्चुनिटीज दी है, तो अच्छी बात है कि यहाँ ये मेकअप आर्टिस्ट के लिए इतना अच्छा किया इन्होंने, और आगे भी ऐसे ही करते रहे। अच्छा सार्थक भाई, अगर बात करें ममता जी हो गए, निशांत जी हो गए, और ज्योति, MJ, इसका मतलब यही है ममता, निशांत और ज्योति, तीनों ऑर्गेनाइजरों को क्या ब्लेसिंग दुआएं देंगे? बस यही है, ऐसे आप अच्छा काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो, ये तो पहले ही स्टार्टिंग है, आगे भी आप बहुत आगे जाओ। थैंक यू सो मच भाई, और जो अपना नया गाना आया उसके बारे में क्या? मेरा नया गाना है यूपी की शेरनी और हरियाणा का छोरा, इसके क्या ना लिरिक्स तो दूसरे के हैं। हाँ जी, कुछ लिरिक्स आपके मुंह से सुनेंगे हम आज एज एक्टर, क्योंकि सिंगर तो है नहीं, एक्टर है आप। आप किन शब्दों में बयान करेंगे उस गाने को? मैं हरियाणा का हीरो सू गोरी टकरा ना बेकार तेरा। क्या बात है, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे भाई, हमारी भी यही दुआ है। थैंक यू सो मच भाई। साथियों मेरे साथ में अब आप देख रहे हैं एमएनजे अवार्ड शो की जो ब्राइडल कंपटीशन है उसकी विनर है, तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे साथ में है। बात करेंगे इनसे और जानेंगे इनके बारे में, और आज जो यहाँ विनर बने और जो इनके रेटिंग आई है उसके बारे में क्या कहेंगी और कैसा शो लगा? मैम सबसे पहले स्वागत है आपका। तो बहुत अच्छा था सर, शो बहुत अच्छा था। सबसे बढ़िया बात ये थी, मतलब ठीक है गर्मी भी थी, लेकिन ना एक अंदर से जो खुशी है ना फर्स्ट आने की, सच में सर बहुत प्राउड अपने आप को भी, क्योंकि ऐसा शो मैंने फर्स्ट टाइम किया है। अच्छा, और उसी में हाँ जी। और दूसरा जैसे कि सेलिब्रिटी गेस्ट की बात करें, खुशी शेख जी हैं, सार्थक चौधरी जी हैं, इनसे मिलके कैसा लगा? सर बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग, और मैं तो बल्कि बहुत बड़ी फैन हूँ खुशी मैम की, बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका नाम मैम? मेरा नाम सृजना है। कैसा लगा मैम का काम आपको? एकदम बहुत अच्छा, बहुत कंफर्टेबल एंड एकदम वार्म फील हुआ उनके साथ काम करके मुझे एज अ मॉडल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल मेकअप फॉर टुडे एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैम आपका नाम जानूंगा? मेरा नाम अलीशा है। कैसा लगा आज यहाँ विनर बन के आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, जेन्युइनली टू बी ऑनेस्ट, मैंने जो आज सेकंड पोजीशन डिजर्व करी है, मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि मैं यहाँ तक आऊँगी, बट द थिंग इज कि अभी भी लाइक सीरियसली मैं सेकंड आई हूँ, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो विनर डिजर्व करते थे और वो नहीं आ पाए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग इवेंट और हमें ये मौका देने के लिए। आपका नाम? माय नेम इज तरब, मेरा नाम तरब है एंड मैं अपनी अनिशा की मॉडल हूँ
And one more thing I would like to tell you, that she has a magical hand. She has a magical hand, and I like the most. Event बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था. अच्छा, जैसे कि मैं आपके पास आऊँगा इस स्टेज पे आने के लिए और इतना वो होने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, और इस इन हाथों के साथ में आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी इतना अच्छा मेकअप किया, कितने टाइम से आप कर रहे हो? मैं 3 साल से कर रही हूँ और मैं मीनाक्षी मैम की सीनियर स्टूडेंट रह चुकी हूँ. ओके. उन्होंने मेरे साथ स्पेशली वीडियो बनाया था, नॉट बिकॉज माई फिंगर्स बट फॉर माई वर्क. यस, ये तो डेफिनेटली मैम के लिए करके दिखाया है, और मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरी वो टीचर रही है. गॉड ब्लेस यू बच्चा, आप ऐसे ही आगे बढ़ो और ऐसे ही देश दुनिया में नाम रोशन करो. थैंक यू सो मच बेटा आने के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आप सेकंड आए. और देखिए, शो का हिस्सा होता है ये तो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट हमारी निगाह में सभी विनर हैं, और ये आपको भी मानना पड़ेगा. थैंक यू सो मच बेटा. साथियों, मेरे साथ में आप देख रहे हैं, अब है थर्ड विनर है हमारे साथ में, जो कि आज MNJ अवार्ड शो में थर्ड विनर रही है ब्राइडल कंपटीशन में. बात करेंगे इनसे भी. आपका नाम मैम? हेलो, मेरा नाम टीना है. टीना, कितने टाइम से मेकअप आर्टिस्ट? मैं 3 मंथ से मेकअप आर्टिस्ट हूँ. मैं अभी स्टूडेंट हूँ डोली मेकओवर की. 3 महीने में आप अब थर्ड पोजीशन पे आई हो आज के शो में, कैसा फील कर रहे हो और क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी. आपका नाम? प्रिया. रिया, कैसा लगा मैम का काम? बहुत अच्छा लगा, थर्ड पोजीशन पे आके बहुत अच्छा लग रहा मुझे. थैंक यू सो मच आपका भी, आप भी यहाँ आए और इतना अच्छा लुक दिया. साथियों, मेरे साथ में आप देख रहे हैं आज के MNJ अवार्ड शो जो हुआ है, उसके जूरी मेंबर हैं साथ में हमारे हरजिंदर चीमा जी हैं और भाई हैं हमारे. बात करेंगे इनसे, और हरजिंदर चीमा जी की बात करूँ तो परफेक्ट ब्यूटी एम्पायर की डायरेक्टर है, फाउंडर है, और एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी है. जानेंगे इनसे इनके ख्याल क्या कहती हैं आज के शो के बारे में. हरजिंदर, स्वागत है पहले तो आपका. बिल्कुल, थैंक यू. मैं तो हमेशा मीडिया का तहे दिल से थैंक यू करती हूँ, हर जगह पहुँचता है, और पी न्यूज़ चैनल तो इतना आज के टाइम तरक्की कर भी रहा है, हम जैसे को तरक्की करवा भी रहा है. तो मैं पहले शुक्रिया आपका और अलका जी का करना चाहती हूँ, जो मीडिया को लेकर हर न्यूज़ एक अच्छे तरीके से पहुँचाते हैं. सेकंड, इस शो के बारे में देखो क्या कहना, फर्स्ट टाइम इन्होंने अपना शो है जो उसका इन्होंने स्टार्टिंग की है, तो स्टार्टिंग की है, बहुत अच्छी स्टार्टिंग की है. MNJ के नाम से शुरू किया है, तो मेहनत करें, आगे भी बहुत अच्छे जाएंगे. ज्योति जी हैं हमारी, ममता जी हैं और नीतीश जी हैं, बहुत कम एज में इन लोगों ने अपना जो एक है मुकाम स्टार्ट किया है, तो मैं यही चाहूँगी बहुत आगे जाएं. और जो कंपटीशन के स्टूडेंट्स थे, बहुत अच्छा उन्होंने मेकअप दिया, और रिजल्ट निकालना इतना मुश्किल हो गया था क्योंकि एक से एक सबका मेकअप बहुत बढ़िया था. तो लगभग मैं यही कहूँगी सारा शो अच्छा गया, अच्छा गया. खुशी शेख जी आए हैं हमारे, सार्थक जी आए हैं, जिन्होंने आके शो की शोभा बढ़ाई है. तो मैं यही चाहूँगी कि ये लोग मिलके ऐसे काम करें और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें. मेरे लिए MNJ को, ऑल टीम को विशेज हैं, और हम हमेशा इनकी सपोर्ट पे खड़े रहेंगे. थैंक यू सो मच दीदी. सर, आपका परिचय जानूंगा पहले. हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मोनू सिंह, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम दिल्ली. मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा, जिसके लिए सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा निशांत मेकओवर को, ज्योति मेकओवर को, ममता मेकओवर को, और इन मैडम से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा. और बाकी ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, यहाँ के बहुत अच्छा लगा मेरे को. ये उनका नाम क्या है, निशांत? नहीं, सार्थक. हाँ, सार्थक चौधरी से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, और बाकी सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा था. ओके. मेरे साथ में आप देख रहे हैं पी न्यूज़ की फाउंडर, डायरेक्टर, और परफेक्ट ब्यूटी एम्पायर की को डायरेक्टर है हमारे साथ में डॉक्टर अलका जी. बात करेंगे आज के शो के बारे में, जानेंगे और क्या मैसेज आज ये देती हैं, और एक योगा एक्सपर्ट भी हैं. स्वागत है अलका जी आपका. थैंक यू सो मच सर. क्या कहना चाहेंगे आज के शो के बारे में? आज का अवार्ड शो बहुत अच्छा रहा, और मैं कहती हूँ कि ऐसे अवार्ड शो होते रहने चाहिए. लोगों को अपना छुपा हुआ हिडन टैलेंट दिखाने को मिलता है, कि वो इस टैलेंट के जरिए बहुत नेम फेम पा सकते हैं. तो अपने टैलेंट को बरकरार रखने के लिए ऐसे शो होते रहने चाहिए. और मैं ज्योति जी का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा वेल मेंटेन, बहुत अच्छा किया, और अवार्ड शो अच्छा रहा. अच्छा, सार्थक चौधरी जी और खुशी शेख जी से दोबारा मिलके कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा सार्थक जी से मिलके और खुशी जी से मिलके, बहुत अच्छा लगा. और आगे भी मिलते रहें, और अवार्ड शो ऐसे ही होते रहे, और हम सब साथ में जुड़ते रहें. थैंक यू सो मच. साथियों, मेरे साथ में आप देख रहे हैं निखिल आगर जी हैं, जानेंगे इनके बारे में भी, इनसे बात करेंगे क्या ये करते हैं, क्या प्रोफेशन है, और आज एक हमारे क्या नाम सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ में है,
बात करेंगे जानेंगे। मैम स्वागत है आपका भी चैनल पे। थैंक यू जी। क्या कहना चाहेंगे आज के शो के बारे में? आज के शो के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, अच्छा हुआ शो, बहुत अच्छा हुआ, लोगों से मिले, नए लोगों से मिले और बहुत सारा एंजॉय किया, डांस हुआ, रैंप वॉक हुआ, बहुत सारा एंजॉय। और जिन सेलिब्रिटी से आज मिले हो, जिनके साथ खड़े हो, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? सार्थक भाई के बारे में हमारे इनके बारे में क्या बोलूँ, इन्हें सब जानते हैं, हरियाणवी एक्टर है, इनका फेमस सॉन्ग है चक के नीचे भूतिया सपना चौधरी के साथ, तो एटलीस्ट सभी जानते हैं, मैं ज्यादा मैं क्या सभी जानते हैं ऑल इंडिया। थैंक यू सो मच, आप भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। थैंक यू। साथियों मेरे साथ में अब आप देख रहे हैं फैज खान जी हैं जो कि आयान फैशन से हैं और इन्होंने भी आज के शो में अपनी प्रेजेंटेशन दी। बात करेंगे भाई, सबसे पहले स्वागत है आपका भी चैनल में। क्या कहना चाहेंगे आज के शो के बारे में और आपका जो ब्रांड है ये फैज, इसके बारे में बताइएगा आयान फैशन के बारे में। ब्रांड है ना जो वो चांदनी चौक में नई सड़क पर आयान फैशन के नाम से है। हम भी अपना जो है ना मैटेरियल जो करते हैं, जैसे वेडिंग लहंगा हो गया, वेडिंग ड्रेसेस हो गई, ट्रेल वगैरह हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो हमारी ड्रेसेस भी मिलेंगी, लहंगा भी मिलेंगे, सारा हम जो ब्लॉग करते हैं ना वो सारा हैंड वर्क में करते हैं। आप हमसे जुड़ेंगे तो आप हमें जो है ना व्हाट्सएप के जरिए जो है ना कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आज का शो कैसा लगा फैज भाई? आज का भी शो जो था ना यहाँ आकर जो है ना अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा, और यहाँ पर जो मॉडलिंग वगैरह जो जैसे भी हमने लहंगे वेयर किए हुए उनसे भी काफ़ी बेनिफिट मिला है। साथियों आपको इनका भी नंबर, इंस्टा आईडी वगैरह सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप फैज भाई से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। साथियों मेरे साथ में एक और मेकअप आर्टिस्ट देख रहे हैं आप, मंजू जी हैं जिन्होंने की लुक दिया है, देख सकते हैं आप मैं इसका कहना लुक देख सकते हैं कैसा लुक इन्होंने दिया है। बात करेंगे मंजू जी से ही, पहले मंजू जी स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आज यहाँ पार्टिसिपेट करके? आप बहुत अच्छा लगा और मुझे मतलब ये लुक क्रिएट करके बहुत मतलब अच्छा लगा। अच्छा जैसे की बात की जाए यहाँ पे हार जीत की, वो हार जीत तो देखो सभी के साथ होती है, बट यहाँ सभी विनर है, आपने इतना अच्छा लुक दिया हुआ है इसी से पता लग रहा है सभी विनर है, क्या कहना चाहेंगे आज के शो के? देखो हार जीत तो सभी के साथ है, मेरे को एक एक्सपीरियंस लेना है और अपने मतलब स्किल बढ़ानी है, तो एक चैलेंजेस लेना तो मेरा काम ही है कि मतलब। ये है आपका नाम बेटा? माय नेम इज अक्षरा। कैसा मेकअप लग रहा है मैम का जो तैयार किया इन्होंने? बहुत अच्छा मेकअप करा मैम ने, सच्ची में बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा जैसे कि ऑर्गेनाइजर की बात करें हम, जिसमें एक तुम्हारी मम्मी भी है, क्या कहना चाहोगे ऑर्गेनाइजरों के बारे में तीनों के? तीनों बहुत अच्छे हैं, तीनों ने बहुत मेहनत करी, बहुत चीजें करी, तो ये उनका फर्स्ट इवेंट था, उनके बहुत बहुत अच्छा ही गया। साथियों ये जो है ऑर्गेनाइजर ज्योति जी की बेटी है और इन्होंने भी फर्स्ट ही एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा लगा इन्होंने, मैम ने लुक भी बहुत अच्छा दिया। बेटा गॉड ब्लेस यू, आप ऐसे ही काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच। क्यों मेरे साथ में आप देख रहे हैं निज़ाम खान जी हैं जो कि वो भी लहंगा हाउस से हैं और आज के शो में लहंगे को इन्होंने स्पॉन्सर किया है और इनके सपोर्ट में खड़े हैं। बात करेंगे आज के शो के बारे में, इनसे कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे भाई? सबसे पहले स्वागत है आपका चैनल। थैंक यू सो मच। इसमें हम जो है ना डिजाइन करते हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग, ठीक जी। हमारा बॉबी लहंगा हाउस के नाम से फर्म है चांदनी चौक में। हम जो मेन डील करते थे वो होलसेल में करते हैं, अभी भी करते हैं, लेकिन अभी हमने एक सेपरेट यूनिट डाली हुई है, वो पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल कलेक्शन, वो रिटेल काउंटर के लिए। तो अगर आप हमारे पास आते हैं या हमारी शॉप पर विजिट करते हैं तो आपको जो है ना एक मेनली होलसेल प्राइस में जो है वो आपको रिटेल में लहंगा मिलेगा, आप ले सकते हैं, और जो भी रीसेलर हैं या रिटेलर हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जैसे कि निज़ाम भाई बात करें आज के शो की, आज का शो कैसा लगा और कैसा मैनेजमेंट रहा? बहुत बढ़िया था माशाल्लाह, बहुत अच्छा था, मैनेजमेंट भी अच्छा था, शो भी अच्छा था, और जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो भी बहुत अच्छे थे, तो बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा रहा जी। अगर कोई आपसे बॉबी लहंगा उससे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े? आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमने कोलैप्स किया है, आपको सारे नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, इंस्टा आईडी वो सब प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आप हमारी शॉप पे डायरेक्ट भी विजिट कर सकते हैं जो कि चांदनी चौक में है जी। ठीक है साथियों, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जो कि इनकी शॉप पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, इनके दिए हुए नंबर पे और ईमेल आईडी पे जाके या इंस्टा आईडी पे जाके आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निज़ाम भाई। थैंक यू। साथियों मेरे साथ में आप देख रहे हैं कुछ स्पॉन्सर हैं, सपोर्टर हैं जिन्होंने कि आज यहाँ स्टॉल भी लगाया हुआ था। बात करेंगे, स्वागत है पहले आपका सर। हेलो, माय नेम इज आरव एंड आई एम हियर टू रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट डर्मा क्ले।
हमारे जो प्रोडक्ट है टोटली आयुर्वेदिक है और ये बिल्कुल वाटरप्रूफ प्रोडक्ट है, मतलब आपको हमारे प्रोडक्ट में बिल्कुल पानी लगाने की जरूरत नहीं है। और हमारा जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है विटामिन सी सीरम, ये क्या करता है, ऑयल एंड वाटर कंटेंट है, ये क्या कहते हैं लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग करता है स्किन टोन को, हमारे एज स्पॉट्स वगैरह जो है उसको बहुत ब्लर कर देता है, और उसके बाद ये एज ए प्राइमर भी यूज हो सकता है। और बाकी मेरे अब ये सीनियर मैम बताएंगे। एंड ब्रांड जो है हमारा मेन फीचर जो है इसका वो विद एडवांस आयुर्वेदिक फॉर्मूले के साथ है। हमारे पास 180 प्रोडक्ट्स की रेंज आती है, हमारे सारे ऑल प्रोडक्ट्स बहुत ही हाईली टेक्नोलॉजी बेस्ड है। मेन फीचर क्या है कि बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है हमारे प्रोडक्ट, हर कोई इजीली बाय कर सकता है, आपको ये लोकली कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, ये आपके सैलॉन्स के लिए पर्टिकुलर बने हुए हैं। हमारा हाइड्रा फेशियल इस टाइम डिमांड में सबसे ज्यादा है, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। इसका मेन फीचर ये है कि ये इस पूरे फेशियल के अंदर पानी यूज नहीं होता, आप इसे मशीन के साथ यूज कीजिए, आप इसको मैनुअली यूज कीजिए, और रिजल्ट अगर आप खुद ऑसम रिजल्ट बोलेंगे, हमारे सारे प्रोडक्ट्स के प्रोफेशनल साइज भी अवेलेबल है, तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू जी। मैम का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अल्ट्रा फेशियल हो गया या जो भी प्रोडक्ट है इनके 180 प्लस प्रोडक्ट है उन्हें आप बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। साथियों मेरे साथ में आप देख रहे हैं एक नेल आर्टिस्ट है मनीष जी, जिन्होंने कि बहुत अच्छे से वर्क करते हैं और आज के शो में इनका बहुत सपोर्ट रहा है। इनके बारे में पहले मैं हरजिंदर जी से जानूंगा, उसके बाद मनीष जी के पास जाएंगे हम। दीदी क्या कहना चाहोगे मनीष भाई के बारे में? देखो मनीष के लिए तो मैं क्या कहूँ, मेरे लिए वर्ड्स कम है, बहुत बहुत हार्ड वर्किंग बच्चे, इतनी कम एज में इतने हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो मैं तो हमेशा इसके सपोर्ट में खड़ी हूँ। सपोर्ट में मैं इसलिए खड़ी हूँ कि हार्ड वर्किंग है, इसमें क्वालिटी है, तो मैं स्पोर्ट में खड़ी हूँ क्योंकि ये कुछ करना चाहता है। मैं कहूँगी खूब आगे जाए, आज इसने जो स्टूडेंट्स के मेकअप यहाँ पे लेके आए, उनके मेकअप्स थे और यहाँ पे एज अ वीआईपी गेस्ट आई थी, कम एज में इतना मुकाम पाना बहुत छोटी बात नहीं, और नेल आर्टिस्ट को ये बहुत अच्छा ही है। उसका प्रूफ ये है कि मैं इसी से अपना नेल आर्ट कराती हूँ, तो ये जो भी मुझे स्टेप सुन रहा है तो मनीष जी का नंबर मेरे से ले लें हरजिंदर चीमा से, और नेल के लिए इसी को बुलाए, मेकअप बहुत अच्छा करते हैं जी। धन्यवाद हरजिंदर जी। आप क्या कहना चाहोगे मनीष जी के बारे में? बहुत अच्छा लगा है, मतलब सर की वजह से आज मैं यहाँ पर आई हूँ, मतलब सर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर है, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मनीष भाई क्या कहना चाहोगे, अब इतनी तारीफें देखो तुम्हारी बड़ी बहन ने भी कर दी और स्टूडेंट ने भी कर दी, क्या कहना चाहोगे? मुझे ना मतलब बहुत प्राउड फील होता है कि मुझे इतने अच्छे लोगों के पास सपोर्ट में, जैसे मेरी बड़ी सिस्टर एंड ये मेरी छोटी सिस्टर, और ये मेरी एक स्टूडेंट भी है और ये मेरी टीचर भी है, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मैं इनकी वजह से इतनी आगे हूँ, बोला तो हम सपोर्ट अपने आप ही देंगे। साथियों मेरे साथ में आप देख रहे हैं एक मॉडल है आरु, जिन्होंने की आज यहाँ पार्टिसिपेट किया, बात करेंगे जानेंगे इनके बारे में भी। मैम स्वागत है पहले तो चैनल पे। ये शो मेरा मतलब मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट शो था, मैंने इतने सारे शो किए सीरियसली, मैं इसकी तारीफ नहीं करूँगी, बट ये शो मतलब एक अलग फीलिंग होता ना वो ऐसा था, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत इंजॉय भी किया, मुझे बहुत मज़ा आया, मतलब मैं बहुत खुश हूँ ये शो करके। अच्छा जैसे कि बात करें सेलिब्रिटी की, सेलिब्रिटियों से मिलके कैसा लगा खुशी शेख जी और सारा तक भाई से? मुझे मैंने इतने सारे शो के, मैं सीरियसली मैंने कभी कोई सेलिब्रिटी के साथ लाइफ में मतलब कोई मतलब जैसे रैम वॉक नहीं हुआ, फोटो नहीं हुआ, बट ये मेरा पहला शो जिसमें मेरा रैम वॉक हुआ, प्लस मेरे को ये पहनाया गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं निशांत को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मैं उसके थ्रू आई थी और उसने मुझे इतना सपोर्ट किया, यहाँ तक पहुँचाया, मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।